मेरा नाम रमेश है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी रचना से हुई है। रचना और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। रचना बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेंगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। रचना जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़ा शहर में एक बड़ा शोरूम बनवाऊँ कपड़े का। मैंने रचना को इसके बारे में बताया। रचना को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना, मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया था। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने रचना को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। रचना अपने मायके चली गई, मैं अपने गांव चला गया। रचना से मैं फोन पर बात किया करता था। जमीन के कागज और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फोन किया तो वो कुछ बदली बदली थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब रचना को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था, क्योंकि वो खत्म करके ही मैं जल्दी से रचना के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रचना को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात फिर किया, क्योंकि दिन भर बात होना हो लेकिन रात में जरूर बात किया करते थे, लेकिन रात में भी उसका फोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है, अगर कुछ बात होती तो मुझे फोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसीलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं रचना से बात करूं। सुबह भी मैंने फोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी कि क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना रचना का फोन आया ना उसकी माँ का, मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फोन आया। मैंने पूछा कि रचना कहाँ है। वो बोली, रचना अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहां नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था, रचना ने मुझे बताया था कि वो वहां जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी काम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। रचना वहां 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी रचना से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मैं सीधा अपने पत्नी के घर ही गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहां बैठा, उनसे पूछा कि रचना कहाँ है। वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि
आई नहीं है, अभी तक उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से रचना से बात हुई नहीं है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे रचना से बात किए। मुझे रचना पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। साथ उसका फोन काम नहीं कर रहा तो वो किसी के भी फोन से बात कर सकती, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे जरूर डांटूंगा। मेरी सांस का फोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फोन उठा रही। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो रचना और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं? मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया, मेरी सांस का मुंह उतरा हुआ था, मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है रचना? मेरी सांस मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वो बोली कि रचना किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा? वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है, तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसीलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। रचना मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सांस मेरे आगे रो रही थी, माफी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रचना स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। रचना की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने रचना को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं। रचना नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला, उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रह सकता है? मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उनके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में रचना है। एक झलक सी मुझे दिखी, मैंने उसी समय उनके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सांस ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सांस ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर मैं कमरे में गया तो रचना को देखकर मैं हैरान रह गया। रचना व्हीलचेयर पर बैठी थी। रचना ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? रचना बस रो रही थी। मेरी सांस बोली कि बेटा, रचना जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती है। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी, तुम्हें ना बताई, वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है रचना अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि
दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन रचना ने कहा कि मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है, शोरूम खोलने का है, उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए रचना ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार कहती थी, मैंने उससे कहा कि रचना, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? रचना ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। रचना ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूं, एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाइए, दूसरी शादी कर लीजिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। रचना की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, कितने दिनों उसने इन्हें रोक रखा होगा। मैंने रचना को बीते कुछ महीनों में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो रचना को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने रचना की एक बात नहीं सुनी, मैं रचना को अपने साथ ले आया, अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में रचना को दिखाया है। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, बस मैं यही चाहता हूं कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी ही हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट से जुड़ सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।